सैमको के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मेरा नाम है वीर और इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे जना स्मॉल फिनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे कि क्या आपको इस IPO में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं पहले जानते हैं कि इश्यू डिटेल्स के बारे में या आई का स्टार्ट डेट है सेवन फेब्रुवरी या आई का एंड डेट है नाइन्थ फेब्रुवरी या आई का प्राइस बैंड है थ्री से फोर वन का साइज थर्टी सिक्स का और फेस वैल्यू है रुपीज़ टेन यह आई का टोटल इशू साइज़ होता है फाइव सेवेंटी करोड़ जिसमें से वन जीरो एट करोड़ है ऑफर फॉर सेल यह आई का मार्केट कैप पोस्ट ईशू बनता है फोर थाउजेंड टू ट्वेंटी टू करोड़ का अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये दो हज़ार छः में इस्टबलिश हुआ था और ये एक एन माइक्रो फिनेंस कंपनी थी दो में वो जो एक एन थी इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया इसीलिए फ्रॉम अ एन बी एफ सी इट बिकम इट बिकेम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक दो हज़ार उन्नीस में अब जो डिफरेंस होता है बिटवीन एन एन बी एफ सी और अ स्मॉल फाइनेंस बैंक उसमें से जब जो बिगेस्ट डिफरेंस है ये होता है कि एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अब ये कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है ये कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में अच्छा वाइड है ये कंपनी प्रेजेंट है ट्वेंटी टू स्टेट्स में और टू यूनियन टेरिटरीज़ में ये कंपनी के पास टोटल 771 बैंकिंग आउटलेट्स हैं अब जानते हैं कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे और किसे लोन्स देते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम जना स्मॉल फाइनेंस लोन बुक को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक है सिक्योर्ड लोन्स और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन्स पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की सो अंडर सिक्योर्ड लोन्स ये बैंक लोन्स देते हैं माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन्स अफोर्डेबल हाउसिंग होम लोन्स टर्म लोन्स देते हैं दूसरे एन को ये फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट भी लोन्स देते हैं टू व्हीलर लोन्स एंड गोल्ड लोन्स, सो ये है उनके ब्रॉडली सारे सिक्योर्ड लोन्स अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स सो अनसिक्योर्ड लोन्स में ये मेजरली देते हैं माइक्रो फिनेंस लोन्स ये माइक्रो फिनेंस लोन्स देते हैं इंडिविजुल्स को और छोटे बिजनेसिस को ये एग्रीकल्चर में भी ये कंपनी का डिसेंट एक्सपोजर है और फाइनली ये ग्रुप लोन्स भी देते हैं जिन्हें हम जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी कहते हैं सो so, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया ये कंपनी एक्चुअली एक एन माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी एंड देयरफॉर इनका पहले अनसिक्योर्ड में एक्सपोजर था हंड्रेड परसेंट सो वो एक्सपोजर कंपनी ने ओवर द इयर्स कम कर दिया है सो फ्रॉम हंड्रेड परसेंट एजॉन एच वन एफ आई ट्वेंटी थ्री ये कंपनी का जो अनसिक्योर्ड में एक्सपोजर है इट इज़ ओनली फोर्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट ना अब कोई भी लेंडर को कोई भी बैंक को अगर सस्टेनेबली ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रो करना है तो उनका अनसिक्योर्ड एक्सपोजर बहुत हाई नहीं रह सकता क्योंकि वो एक रिस्की सेगमेंट है एंड देफोर ये कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना अनसिक्योर्ड एक्सपोजर कम किया है एंड इन द मीडियम टर्म वी एक्सपेक्ट के उनका अनसिक्योर्ड लोन का एक्सपोजर कम होते रहेगा अब हम क्विकली बात करते हैं कंपनी के डिपॉजिट बुक के बारे में सो so, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कंपनी का जो कासा रेशियो है एच वन एफ आई ट्वेंटी थ्री पे इट वॉज ट्वेंटी पॉइंट फोर नाइन परसेंट ये कंपनी ने ओवरदेयर्स अपना काँसा रेशो अच्छे पेस पर पे इम्प्रूव किया है यू कैन सी के एफ आई ट्वेंटी वन में उनका काँा रेशियो सिक्सटीन पॉइंट थ्री परसेंट का था तो सिक्सटीन पॉइंट थ्री परसेंट से अब उनका कासा रेशो है ट्वेंटी पॉइंट फोर नाइन परसेंट का अगर हम रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें जिसके अंदर आता है कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट्स उसका रेशो है सिक्सटी सेवन पॉइंट टू परसेंट का अभी हम बात करते हैं कि ये कंपनी कौन से जोग्राफी में लोन्स देती है अब हमें यहाँ ये यह बात समझना ज़रूरी है कि जो भी एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर होता है वो जोग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए उनका कोई एक या दो स्टेट में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ऐसा हम क्यों कहते हैं क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी नेचुरल कैलामिटी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो एक या दो स्टेट में आती है तो वो बैंक जिसका वो एक वो एक या दो स्टेट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है वो पूरे लोन्स ख़राब हो सकते हैं विच कुड बी वेरी डेंजरस फॉर अ बैंक एंड दे एक बैंक हैज़ टू बी वेल जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्पेशली अ माइक्रो माइक्रोफिनेंस लेंडर सो क्या ये बैंक जोग्राफिकली वेल डाइवर्सीफाइड है कि नहीं ये हम देखते हैं सो जना स्मॉल फिनेंस बैंक जो है उनके टॉप थ्री स्टेट्स है तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ये टॉप थ्री स्टेट्स में से ये बैंक को थर्टी एट पॉइंट एट परसेंट के एडवांसेस आते हैं अगर ये हम कंपेयर करें उनके दूसरे पीयर्स में सो येस जना स्मॉल फिनेंस बैंक अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी बेटर प्लेस्ड है इन जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन सो एमॉल फिनेंस के एक्सपोजर इन टॉप थ्री स्टेट्स है सिक्सटी सिक्स परसेंट का उज्जीवन का है फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट का इक्विटास का है फिफ्टी फोर परसेंट का उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस का है सिक्सटी नाइन पॉइंट वन परसेंट का जबकि जना स्मॉल फिनेंस का है ओनली थर्टी एट पॉइंट एट परसेंट का अब बात करते हैं कंपनी के की फिनेंशियल पैरामीटर्स और रेशियोज़ के बारे में सो so, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एच वन की बात करते हैं ये कंपनी का ए यू एम थर्टी फाइव परसेंट से ग्रो हुआ है ये कंपनी के नेट एडवांसेस 43 परसेंट से ग्रो हुए हैं ये कंपनी का जी एन पी ए स्टैंड एट टू पॉइंट फोर फोर परसेंट जो कि एफ आई ट्वेंटी वन में सेवन पॉइंट टू फोर परसेंट था एफ आई ट्वेंटी टू में फाइव पॉइंट सेवन परसेंट था एफ आई ट्वेंटी थ्री में थ्री पॉइंट नाइन फोर परसेंट था सो so, उनका जी एन पी ए ट्रेंड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड है विच इज़ अ गुड साइन सिमिलरली एन 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 पी ए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो पॉइंट एट सेवन परसेंट है सिमिलर टू जी एन पी ए इनका एन एन पी ए भी ऑन अ डिक्लाइनिंग रेंट है विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर द असेट क्वालिटी ऑफ दिस बैंक ये कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो है सेवन पॉइंट सेवन एट परसेंट के और ये उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्चुअली ऑन वाई ओ वाई बेसिस इम्प्रूव हुए हैं सो डिस्पाइट ये स्मॉल फिनेंस बैंक अपने अनसिक्योर्ड बुक से सिक्योर्ड बुक में आ रही है फिर भी उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं इसका मतलब यह है कि इवन फ्रॉम द सिक्योर लोन बुक ये कंपनी इज़ एबल टू जनरेट हाई हायर रील्स विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड साइन नाउ द बिग क्वेश्चन कि क्या आपको इस आई में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कैटेगरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि इनको ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ होती है माइक्रो फनेंस सेगमेंट में टायर वन टायर टू टायर थ्री सेगमेंट्स में लोन देने की एक्सपर्टीज़ होती है इसके ऊपर अभी डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं सो so ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये एक स्मॉल फिनेंस बैंक इसके ऊपर से जो माइक्रो फेंस कैटेगरी है ये काफ़ी अंडर पेनीट्रेटेड है सेल्फ एम्प्लॉयड जो कैटेगरी है ये अगेन काफ़ी अंडर पेनीट्रेटेड है एंड देफोर ये सेगमेंट का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी ब्राइट है जना स्मॉल फिनेंस बैंक डिमांड करती है वन पॉइंट सिक्स फाइव टाइम्स का प्राइस टू बुक जो हमारे हिसाब से एक फेयर प्राइस टू बुक है दे फॉर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ये सारे फैक्टर्स हम ये आई को देते हैं एक सब्सक्राइब रेटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा अच्छा लगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक और आपके जो फीडबैक है ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग सैंको ट्रेडिंग ऐप आप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.